Hey guys, welcome or welcome back to Fashion Hour Needs. So friends, आज का जो वीडियो है मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे बनाते हुए बहुत अच्छा लग रहा है और ये जो वीडियो बहुत टाइम से बनाना चाह रही थी बट पता नहीं क्योंकि बहुत सारी चीजें अब आप सोचोगी हर वीडियो में अपने ऐसे ही बोलती है कि मैं बहुत टाइम से बनाना चाहती हूँ, तो यस ये सच है क्योंकि इस टाइम जो वीडियोज बन रही है मैं बहुत टाइम से बनाना चाह रही थी बट नहीं बन पा रही थी तो अब बन रही है। सो आज का जो वीडियो है तो आप लोगों को टाइटल से पता चल गया होगा कि आज जो मैं आंसर करने वाली हूँ वो आप ही के क्वेश्चंस का आंसर करने वाली हूँ। तो मैंने इंस्टा पर अपनी स्टोरी पर पोस्ट करा था एंड अपने फ्रेंड से अपने फॉलोअर्स से पूछा था कि कोई सा भी क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हो जो आप जानना चाहते हो वो। तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मिले क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतने मिलेंगे बट फिर भी मैंने मैक्सिमम टारगेट रखा था कि मैं 30 क्वेश्चन हो जाएंगे तो फिर मैं वीडियो शूट कर लूँगी, बट 30 से ज़्यादा क्वेश्चन मिले हैं मुझे, 50 क्वेश्चन मिल गए हैं और अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन जो रिपीटेड है, रिपीटेड के जो लोग मेरे से न्यू जुड़े हैं या फिर जो न्यू मेरे चैनल पर आए थे उन्होंने देखा तो उनके जो क्वेश्चन है वो सिमिलर हैं, तो मैं नेम ले लूँगी सबका लेकिन जो आंसर है वो सिमिलर है तो आप एक ही आंसर समझ जाओगे कि उसका क्या मीन है या फिर क्या उसका आंसर है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो मुझे समझ में नहीं आए कि वो क्वेश्चन थे, मतलब बोलते नहीं कि वो कॉम्प्लीमेंट थे कॉमेंट थे बट स्टिल मैंने सबको कॉम्प्लीमेंट की तरह ही लिया है, मैंने किसी को निगेटिवली नहीं लिया है, मैंने सबको पॉजिटिवली लिया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो हमारी फैशन ऑनेट फैमिली है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए। और मैंने रखा था इसमें एक ट्विस्ट की Q&A करेंगे हम और साथ में हम एक गिव अवे भी करेंगे, तो गिव अवे की जो सारी डिटेल्स है वो इस वीडियो को लास्ट में बताऊंगी। स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन से, तो जो सारे के क्वेश्चन हैं वो ये मेरी डायरी है और इसमें मैं अपनी वीडियोस के बारे में डिटेल्स लिखती हूँ या फिर कुछ भी मेरे को आइडिया आता है तो उसमें लिखती हूँ, तो मैं सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें लिख लिए थे क्योंकि ईजी हो जाता है। और अब स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स एक बात है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जो हमारी फैमिली और भी ज़्यादा बड़ी हो जाए। साथ में ये जो क्वेश्चंस हैं मैंने उसी के अकॉर्डिंग लिए जिस तरह से मेरे से पुट हुए थे, लाइक जिसका फर्स्ट पे हुआ था, पुट सेकंड पे हुआ था, थर्ड पे हुआ था, उसी वे में मैंने लिख लिए हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आगे पीछे नहीं करा है, तो इस वे में आप समझ भी जाओगे कि किसका क्वेश्चन पहले था। सो गाइस पहला जो क्वेश्चन है वो है कंचन की तरफ से और ये जो क्वेश्चन है वो है वाई सो हॉट बे बाय द वे आई लव योर टिकटॉक वीडियो। तो यस थैंक यू सो मच कंचन, ये जो टिकटॉक वीडियोज हैं बस मैं ऐसी बनाती हूँ जब अपने यूट्यूब की वीडियो शूट करती हूँ और मैं रेडी भी होती हूँ तो मैं बस ऐसे जाके एक दो टिकटॉक बना लेती हूँ, मुझे पसंद है बस ऐसी कुछ यूट्यूबर से टिकटॉक वालों में मत लेना मुझे। एंड वाई सो हॉट बेब तो आई डोंट नो, ये तो मुझे भी नहीं पता बट स्टिल अगर आपको लगता है तो थैंक यू। एंड सेकंड जो क्वेश्चन है वो है यूपी में कहाँ से हो बाय मोहित, तो यूपी में मैं हूँ मुरादाबाद से एंड बहुत सारे लोगों को पता होगा एंड जो लोग जानना चाहते हैं कि मैं यूपी में कहाँ से हूँ तो मैं मुरादाबाद में हूँ, मुरादाबाद ब्रास सिटी आप सब लोग जानते होंगे उसको। तो यस ये जो वीडियो है मैं जल्दी ही बनाने की सोच भी रही थी बट स्टिल अब क्योंकि रिक्वेस्ट आई है तो बनाना बनता है, तो आपको जल्दी ही विद इन अ वीक ये वाली जो वीडियो है मिल जाएगी और मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी कि जो बिगनर्स हैं जिनको नहीं आता है आईलैशेस अप्लाई करना या फिर जो आईलैशेस अप्लाई करते हैं उनकी निकल जाती हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो। इस यहाँ पे ना मैंने फ़ैन भी ऑफ कर रखा है क्योंकि आवाज़ आ जाती है अजीब सी फ़ैन की तो मुझे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है बट स्टिल। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है बाय पिंक क्रश और उनका जो क्वेश्चन है वो है आपकी एज कितनी है, सो गर्ल्स से उनकी एज नहीं पूछते बट स्टिल ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप ही लोग मेरे को कमेंट में गैस करो कि मेरी एज आपको कितनी लगती है, तो मैं देखती हूँ कि किसका जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा करीब है या एकदम परफेक्टली मैच है। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम करेंगे या इसके बाद जो मैं वीडियो करूँगी उसमें मैं बताऊँगी कि किसने सही गैस करा है। फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो है योर इंस्पिरेशन फॉर स्टार्टिंग यूट्यूब गौरी शालनी, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये मेरे से दो तीन लोगों ने पूछा था एंड आई थिंक उनके जो नेम है वो आगे आएंगे। तो मेरी जो इंस्पिरेशन है यूट्यूब स्टार्ट करने की तो ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि मैं यूट्यूब बिल्कुल भी नहीं चलाती थी या जब मैंने अपना यूट्यूब करियर स्टार्ट करा था, तो गाइज ये जो लाइन है ना थोड़ी बड़ी होने वाली है तो अगर आप स्किप करना चाहो तो कर लो बट अदरवाइज आप इंटरेस्टेड हो इसमें इस वाले आंसर में तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो गाइज मैं बिल्कुल भी यूट्यूब नहीं चलाती थी, लाइक जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया उससे पहले तक मैं यूट्यूब नहीं चलाती थी बट जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और उस स्टार्टिंग में आप लोगों को पता है कि मैंने सिर्फ नेल आर्ट्स की वीडियो डालती थी क्योंकि मुझे नेल आर्ट करना बहुत पसंद था
बट जब हम कोई किसी चीज में करते हैं, तो जब मैंने 5-6 नेल आर्ट वीडियो बनाई, तो मैं यूट्यूब देखने लगी, वीडियोस देखने लगी, किस किस तरह की वीडियोस हैं। तो यह सबसे पहले जो मैंने वीडियो देखी थी वो मैंने श्रुति अर्जुन आर्य यानी कि श्रुति मैम की वीडियो देखी थी, एंड वो जो वीडियो थी वो पिम्पल्स और एक्ने से रिलेटेड थी, एंड पर्सनली मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी। तो और उसके बाद मैं नीचे ही सजेशंस में आ रहे थे कोरा स्टार यानी कि वो अंकिता मैम की वीडियो थी, तो मैंने वो देखी थी, उनकी मेकअप वीडियो थी, तो उन्होंने आई शेडो की वीडियो बनाई थी, तो मेरे को वो बहुत अच्छी लगी थी। बट स्टिल ये दोनों इंग्लिश में बात कर रहे थे, तो जब मैंने दोनों की वीडियो देखी तो मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि यार मैं भी ऐसी वीडियो बनाऊँ, लाइक मैं भी दिखाऊँ कि मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, या मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, या आप आई शेडो ऐसे लगाओ। तो मेरा बहुत मन था कि मैं भी इस तरह से वीडियो बनाऊँ, बट जब मैंने देखी दो वीडियो तो मेरे को ऐसा लगा कि यार ये लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं और मेरी इंग्लिश भी ठीक है, मतलब उतनी अच्छी नहीं है, तो कि मैं मतलब टोटली इंग्लिश में किसी को समझाऊं। तो फिर मैंने ये चीज़ स्किप कर दी। बट आफ्टर 1 or 2 months मेरी जो सिस्टर है वो रैंडमली ही ऐसी वीडियोस देख रही थी, एंड उसने वीडियो जो खोली मम्मी के फ़ोन में देख रही थी, तो उसने जो वीडियो खोली थी वो शाय स्टाइल की थी, यस बाय साइमा, तो उनकी वीडियो थी, एंड वो हिंदी में वीडियो बना रही थी। तो मेरी सिस्टर ने मेरे से बोला कि देखो ये जो वीडियो है, ये जो लड़की है ये हिंदी में बोल रही है और किस तरह से बोल रही है, तो इस तरह से आप भी कर सकते हो। तो मैंने उसकी वीडियो देखी एंड एक दो वीडियो और देखी, तो मुझे भी लगा कि यार जब ये हिंदी में बोल कर सबको सिखा सकती है, समझा सकती है, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी कर सकती हूँ। एंड रियली आप लोग ट्रस्ट नहीं करोगे इस बात का कि मैं यूट्यूब पे ज़्यादा वीडियो नहीं देखती थी, मेकअप वेकअप से रिलेटेड कुछ नहीं देखती थी, बट मेरे को आता था खुद से ही। तो मैंने सोचा कि यार जब ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि आता तो है बट बात सारी इंग्लिश और हिंदी की थी। सो यस, ये जो तीन हैं यही मेरे इंस्पिरेशन है, या फिर आप बोल सकते हो कि इन लोगों ने मेरे को मोटिवेट करा, या फिर अंदर के मेकअप आर्टिस्ट को जगा दिया कि हाँ भाई अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप कर सकते हो इंग्लिश हिंदी मेकअप प्रोडक्ट्स हाई एंड लो एंड और ड्रग स्टोर से कोई मैटर नहीं होता, अगर आपके पास टैलेंट है तो आप किसी भी तरह से उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। तो यस, मोस्टली ये जो क्वेश्चन इस टाइप के हैं तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी, शॉर्ट में फिर भी बता दूंगी। तो ये जो तीन है बस मैंने इन्हीं की वीडियो देखी थी, और इस बात पर आप ट्रस्ट नहीं करोगे कि मुझे लगता था कि साइमा ही एक अकेली लड़की है जो हिंदी में वीडियो बनाती है, और अब जो मैं बनाऊंगी वो दूसरी होंगी, एंड जो लोग देखेंगे वीडियोस वो हमारी कैसा रिएक्ट करेंगे। बट बाद में जब बनाते रहे या फिर यूट्यूब पे मैं देखती रही, नीचे सजेशंस में आते रहे, तो मैंने देखा देर आर ह्यूज नंबर ऑफ हिंदी टॉकिंग यूट्यूबर्स। सो मैंने कहा ओके। क्वेश्चन जो है नेक्स्ट है वह यू लाइक मी बाय मनजीत सिंह, मतलब ये कैसा क्वेश्चन था, नो आई डोंट लाइक यू। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु इज योर बेटर हाफ दी बाय सोनम, तो अभी फिलहाल कोई नहीं है, तो इसका आंसर भी नहीं है क्योंकि कोई है ही नहीं, तो मैं आंसर क्या दूँ, और जब होगा तब आपको पता चल जाएगा। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जैक की तरफ से, जैक जॉसन, लाइक टाइटेनिक वाला नहीं है ये, दूसरा है। तो इनका जो क्वेश्चन है वो है ऑसम सुपर कैसे किया ये, मतलब क्या किया ये जो क्वेश्चन है, ये मेरी समझ से बाहर है। बट मैंने उस टाइम इसका कुछ रिप्लाई नहीं करा क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी बिजी थी उस टाइम, मैं सोच रही थी कि पूछूं, बट मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं इसमें कंटिन्यू कर लेते हैं। बट जैक अगर आप देख रहे हो वीडियो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में क्लियर कर दो कि इसका मीनिंग क्या है, कि मैंने क्या कैसे किया, मतलब यूट्यूब कैसे स्टार्ट करा, या फिर कुछ तो यूट्यूब जो मैंने स्टार्ट करा वो इस तरह से करा है इससे पहले वाले क्वेश्चन में। एंड आई थिंक बस इतना ही था, ये आंसर पता चल गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन पर आ गए हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये है बाय हैरी, हैरी पॉटर नहीं, ये दूसरा हैरी है। सो आई डोंट वॉन्ट आस्क एनी क्वेश्चन, ओके, आई जस्ट वॉन्ट टेल यू दैट यू आर सो गॉर्जियस, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, तो ये है अनुराग की तरफ से, तो व्हेन यू विल अपलोड न्यू वीडियो, अभी बताती हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैंने फैन ऑन कर लिया क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी, मेरे से टॉलरेट नहीं हो रही थी, एंड मैं पूरी वीडियो भी नहीं कर पाती ये। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 जो अनुराग की तरफ से है, व्हेन यू विल अपलोड न्यू डांस वीडियो, तो यस जल्दी ही, जब कोई अच्छा सा सॉन्ग मुझे लगेगा कि ये वाला जो सॉन्ग है मेरे को दिल को बहुत अच्छा लग रहा है, इस पर डांस भी बहुत अच्छा होना है, तो मैं अपलोड कर लूँगी। असल में मुझे डांस बहुत पसंद है, मैं चाहती हूँ कि मैं डांस वीडियो बनाऊँ, बट हो नहीं पाता है क्योंकि उसके लिए मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डांस की, और फिर एक वीडियो शूट होगा तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है।
तो यस, अगर कोई न्यू सॉन्ग ऐसा आता है जिसके स्टेप्स मुझे ऐसे लर्न हो जाते हैं तो मैं उस पर डांस कर देती हूँ, और अगर मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो उसमें नहीं करती हूँ। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है लवली की तरफ से, वाई आर यू सो ब्यूटीफुल। तो थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बट स्टिल मेरे को नहीं पता कि मैं क्यों हूँ इतनी ब्यूटीफुल, लाइक मैं हूँ भी या नहीं। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे से कि मैं हूँ ब्यूटीफुल, बट पर्सनली मेरे को लगता है नहीं है उतना, बट थोड़ा बहुत तो लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, बाय डेजलिंग करके कुछ नेम है, वेयर आर यू फ्रॉम। तो येस, आई एम फ्रॉम मुरादाबाद यूपी। ये पहले भी क्वेश्चन हो चुका था बट स्टिल मैं दोबारा आंसर कर देती हूँ उसका। 12 है वो है कोमल प्रीत की तरफ से, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट द गिव अवे, वाई यू स्टार्टेड YouTube, आई मीन वॉट मोटिवेट यू और वॉट इंस्पायर्ड यू। सो येस, गिव अवे की जो पूरी इन्फॉर्मेशन और डिटेल है वो तो लास्ट में ही मिलेगी। एंड YouTube मैंने किस तरह से स्टार्ट करा, इंस्पिरेशन बोल सकते हो तो वो पहले वाले क्वेश्चन में हो गया है, ये तीन जो थे। एंड जो मोटिवेट करना था कि लाइक इंस्पायर्ड और मोटिवेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि हम किसी को देखकर इंस्पायर्ड हैं, जब तक हम मोटिवेट नहीं होंगे तो हम वो काम नहीं कर सकते। तो जो मेरा जो मोटिवेशन है या जिसने मेरे को मोटिवेट करा वो मेरा ब्रदर है, उसने मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा, मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। एंड उसने मेरे को मोटिवेट करा कुछ भी करा, कि अगर आप किसी को मोटिवेट करते हो और वो इंसान बहुत ज़्यादा लेजी है कि ठीक है हम ये चीज़ कर लेंगे, लेकिन नहीं, उसने मेरे को मोटिवेट भी करा, साथ में बहुत ज़्यादा पुश करा, बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करी कि आप चलो बनाओ, आपसे नेल आर्ट करने आती है तो कोई बात नहीं, आपको टाइम नहीं मिलता तो एक हफ्ते में एक वीडियो डाल दो। तो यस, धीरे धीरे करके फिर मैंने नेल आर्ट्स बनाए, फिर उसने मेरे को बोला कि अगर मेकअप आता है तो वो भी सिखा दो कर लो, तो मैंने बोला हाँ जितना मेरे से आता है। तो हमने फर्स्ट वीडियो बना के मैंने उसको दिखाई एंड उसने अप्रूव करी कि हाँ ठीक है, बट बहुत ज़्यादा कमी थी उसमें, तो बट उसने बोला कि ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है, सब लोग हेजिटेट होते हैं कैमरे के सामने, हम लोग उतना ओपन अप नहीं हो सकते, लेकिन ठीक थी वो वीडियो क्योंकि मेकअप सही करा था मैंने, उसको लगा था, इस वजह से उसने अपलोड करवा दी। अगर वो मेरे को फेल कर देता उस टाइम तो आई डोंट थिंक कि मेरे अभी मैं ये वाली वीडियो बना रही होती। 5-6 महीने तक उसने मेरी एडिटिंग करी है, लाइक 2018 तक उसने मेरी वीडियोज़ की एडिटिंग करी है। एंड जब वो थक गया कि अब नहीं हो सकता मेरे साथ, खुद करो अपनी एडिटिंग, क्योंकि कब तक कोई किसी को इतना सपोर्ट करेगा, और जब तक हम खुद नहीं सीखेंगे तो हम किस तरह से करेंगे। तो ये वजह थी कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया उसके वजह से, थैंक्स टू माई ब्रदर। एंड उसका जो यूट्यूब एक चैनल है होमवर्क ऑफिशियल, लिंक दे दूंगी नीचे, ज़रूर जाके देखना, बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियोस बनाता है वो और मोटिवेट भी करता है आपको। पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा है, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। एंड जब तक आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती है, आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे आप स्टडी में हो, डांस में हो, किसी भी चीज़ में हो। तो मेरी फैमिली ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है, मेरे भाई ने मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा, इनफैक्ट उसने मेरा चैनल बनाया और मेरी वीडियोज़ एडिटिंग करी, लाइक 1 साल तक उसने मेरी वीडियो भी एडिट करी है। अपलोड वो करता था, मुझे अपलोड करना भी नहीं आता था, एडिट करना भी नहीं आता था, एंड मुझे ये चेक करना भी नहीं आता था कि मैं अपने जो YouTube, अरे ये कौन आया, चलो 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 बैठो बैठो, मेरे को ये भी देखना नहीं आता था कि मैं अपने जो सब्सक्राइबर हैं वो चेक कर लूँ अपने फ़ोन पर, या फिर मतलब देख लेती थी वीडियोस तरह से कि मैं जो कमेंट मेरे को करे हैं वो अपने अपनी आईडी से उनको रिप्लाई कैसे करूँ, हार्ट कैसे दूँ। तो ये सब मेरे को उसने सिखाया है, मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी जानकारी नहीं थी, तो सब कुछ इनफैक्ट वो अभी तक मेरे को कहता है कि थंबनेल अच्छा नहीं बनाया है, एडिटिंग अच्छी नहीं करी है, इस पर वर्क करो, ये वीडियो अच्छी नहीं लग रही, ये वाली वीडियो बनाओ। तो बहुत सारे वो मेरे को आइडियाज़ अभी भी देता है एंड बहुत सपोर्ट करता है। तो मेरे भाई ने मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा, मेरी सिस्टर मेरी बहुत हेल्प करती है वीडियो बनाने में, इनफैक्ट मेरी मम्मी भी हेल्प करती हैं एंड डैडी भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है एंड आई डोंट थिंक कि अगर इनमें से कोई एक भी बैकआउट करता या फिर मुँह बनाता कि भाई नहीं करना, तो आई डोंट थिंक कि मैं बना पाती कोई भी वीडियो या फिर अभी यहां तक आ पाती। हाँ, जो प्रॉब्लम है कि मेरा चैनल ग्रो नहीं कर पाया है, मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसका चैनल ग्रो नहीं कर पाया, क्योंकि आई थिंक कि 2.5 ईयर्स हो गए हैं मुझे, और मेरे पर्सनल रीजंस की वजह से मैं वीडियोस नहीं बनाती थी, लेजी बहुत हूँ मैं, या फिर सोचती थी कि बहुत बार मैंने सोचा कि मैं बैकआउट कर दूँ यूट्यूब से, बट स्टिल मुझे पसंद है वीडियोज़ बनाना। एंड अगर आप ट्राई करते हो तो एक ना दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिल जाती है, तो मुझे भी मिल जाएगी। तो आई थिंक कोमल का जो आंसर वो मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है एंड मेरे दिल में जो बातें थी वो मैंने बता दी हैं, जो ट्रू भी थी। क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, बाय निशान। तो मेरा जो फेवरेट कलर है वो है रेड और ग्रीन, मुझे रेड और ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, कितनी भी गर्मी हो मैं रेड पहन लेती हूँ अगर मुझे पहनना है तो। गाइज, थोड़ी सी आपको फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी, मैंने फ़ैन ऑन कर दिया, गर्मी बहुत हो रही थी, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है समीरा की तरफ से, गिव अवे समथिंग। यस डेफिनेटली, क्यों नहीं, वीडियो इसलिए है, मैंने खुद ही टैग करा था इस चीज को, तो जरूर मैं गिव अवे दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके चैनल से मुझे क्या फायदा पंकज? क्या फायदा, ये मैं कैसे बताऊं कि आपको मेरे चैनल से क्या फायदा है? ये वैसे बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं, इनफैक्ट मेरे खुद के फ्रेंड्स भी बोलते हैं जिनसे मैं बात नहीं करती कि आपके चैनल से हमें क्या फ़ायदा। तो फ़ायदा तो यार मैं ऐसा कुछ बता नहीं सकती, हमें बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियोस बनाती हूँ जिसे देखकर आप कुछ सीख सकते हो। आप बॉयज़ सोचेंगे कि भाई मेकअप हम सीख कर क्या करेंगे, तो मेकअप के अलावा बहुत सारी वीडियोज़ होती हैं मेरे चैनल पर, क्योंकि मैं सिर्फ मेकअप की ही नहीं बनाती हूँ, मैं व्लॉग्स बनाती हूँ और मैं कुछ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी बना देती हूँ, मतलब बहुत सारी बनाती हूँ। तो अगर आप मेकअप की वीडियो नहीं देख रहे हो तो कोई और सी वीडियो देख लो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, गर्ल्स को शेयर कर दो, मम्मी को, सिस्टर को शेयर कर दो, उनको फ़ायदा हो जाएगा। हमेशा अपना फ़ायदा देखने ज़रूरी नहीं होता, किसी और का भी फ़ायदा देखना होता है। वेयर आर यू फ्रॉम एंड वॉट डू यू अपार्ट फ्रॉम YouTube? तो ये है प्रिंसेस आयशा की तरफ से। तो मैं मुरादाबाद से हूँ एंड मैं YouTube के अलावा जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं जॉब कर रही थी जो कि मैंने छोड़ दी है अपनी, और मैं ट्यूशन देती हूँ बच्चों को, बस ये सब करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्यूब कब स्टार्ट किया? बाय स्वाति मिश्रा। तो मैंने जो यूट्यूब स्टार्ट करा था वो मैंने 2017 के अगस्त में करा था। 5-6 महीने तक मैंने नेल आर्ट की वीडियो डाली थी, नवंबर में जाके मैंने एक वीडियो शूट करी थी, मेकअप वीडियो, आप उसे जाकर देख सकते हो। बट उसमें मैं जो बोल रही हूँ बहुत गंदी तरह से बोल रही हूँ, मैं भी अपनी वो वीडियो कभी नहीं देखती क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें मैंने गंदा तरह से वो बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आपने यूट्यूब कब स्टार्ट किया है? शेयर योर यूट्यूब जर्नी, लाइफस्टाइल, ब्यूटी। तो मैंने जो मोस्टली ऐसे ये क्वेश्चन हो गया है इसका आंसर, लेकिन फिर भी आपने पूछा है इसलिए। तो मैंने जो यूट्यूब स्टार्ट करा था 2017 के अगस्त में करा था। मेरे को नेल आर्ट करना बहुत पसंद था, मैं 2-3 साल से नेल आर्ट कर रही थी। तो मेरे भाई ने बोला कि आप डाल दो वीडियो, मैंने डाली एंड उसके बाद दिसंबर में जाके मैंने एक मेकअप वीडियो निकाली, और जब वो वीडियो बनी तो मेरे भाई ने अप्रूव कर दिया कि हाँ भाई चलो अच्छा मेकअप करा, सही करा है, अच्छा तो नहीं मतलब सही करा है। तो फिर थोड़ा सा मोटिवेट हो गया कि हाँ भाई चलो सही है, इतना तो और किसी से भी नहीं आता, हम किसी को सिखा सकते हैं। तो ये थी पूरी जर्नी एंड मैं बीच बीच में यूट्यूब मैंने स्किप करा है अपनी स्टडीज़ को लेकर और अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, तो वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी जिसको मैं अभी तक इस बात को रिग्रेट करती हूँ कि अगर मैं कंटिन्यू होती तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा मैं आगे पहुँच चुकी होती। बट स्टिल अब ठीक है, कंटिन्यू हूँ और भगवान की दुआ से आगे भी पहुँच जाएंगे, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय, कैन यू गिव सम क्विक टिप्स फॉर सॉफ्ट ग्लैम मेकअप लिविंग लाइफ ऑन देयर ओन टर्म्स? तो हाय डियर, तो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी एक छोटी सी वीडियो बना दूंगी कि आप घर पे सॉफ्ट एंड ग्लैम मेकअप किस तरह से कर सकते हो खुद ब खुद बिना किसी की हेल्प के, और बहुत ऑसम लग सकते हो। तो थैंक यू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एडिटिंग ऐप कौन सी यूज़ करते हो बाय एडिटिंग वीडियो? तो मैं एडिटिंग ऐप्स मेरे पास काफ़ी सारी हैं, मेरी पर्सनल कोई है नहीं, जो भाई जिन पर वर्क करता है तो मैं उन्हीं पर खुद भी कर लेती हूँ। सो फिल्मोरा है और 2-3 और, उनका तो मुझे नाम भी नहीं पता क्योंकि मैंने अभी कुछ ही टाइम से एडिटिंग स्टार्ट करी है अपनी, तो इससे करती हूँ मैं, पिक्स आर्ट वगैरह से करती हूँ, वीडियो मर्जर, वीडियो कटर मैं प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करती रहती हूँ कुछ ना कुछ न्यू, अगर मुझे लगता है कि मेरे टाइप की है, मेरी वीडियोस में फिट हो जाएगी, अच्छी लगेगी तो मुझसे कर लेती हूँ, अदरवाइज मैं उससे करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड आर यू, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन एंड ऑल्सो नेम ऑफ सच कॉलेज एंड ऑफिस वी आर फैम? सो हाय डियर, सो गाइज, ये जो मेरी एज है ये आप लोग ही मेरे को नीचे कमेंट करके गैस करो कि मेरी एज कितनी होगी, आपको कितनी लगती है, एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी कि मेरी एज कितनी है, और देखते हैं कि किसने एकदम करेक्टली बोला है और किसने एकदम करेक्टली गैस करा है। तो यस, जो मेरी क्वालिफिकेशन है, मैंने बीटेक करा है कंप्यूटर साइंस से, और उसके बाद मैंने बीटीसी करी है, मैंने जॉब करी थी लास्ट सितंबर में, मैंने छोड़ दी, एज अ टीचर जॉब करी थी, ट्यूशन देती हूँ बच्चों को और यूट्यूब करती हूँ, बस इतना करती हूँ और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर हम 22 पर आ गए हैं, और ये जो क्वेश्चन है, व्हाट आर यू डूइंग कॉलेज और जॉब? सो अभी ना कॉलेज है ना जॉब है, अभी कुछ भी नहीं है, बस सेल्फ स्टडी है और यूट्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना कब जाएगा? फ्रॉम ऐश्वर्या। ये कैसा क्वेश्चन था, अगर मेरे को पता होता तो ऑब्वियसली बात है मैं सबसे पहले बताती, बट स्टिल थैंक्स फॉर क्वेश्चनिंग मी कि कोरोना कब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर यू सो ब्यूटीफुल स्टाइल अप क्वीन? ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मुझे खुद समझ में नहीं आता कि
काफ़ी लोग मेरे को बोलते हैं एंड थैंक्स कि उनको लगता है कि मैं ब्यूटीफुल हूँ, मुझे उतना नहीं लगता, मुझे थोड़ा कम लगता है, बट स्टिल क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है तो इसलिए मैं भी ब्यूटीफुल हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके माइंड में यूट्यूब चैनल बनाने का ख्याल कब आया, मेकअप ब्यूटी DIY थेरेपी? तो मेरे माइंड में यूट्यूब चैनल बनाने का कभी नहीं आया, बट जब मेरे भाई ने मेरे को मोटिवेट करा, मैंने नेल आर्ट की 2-3 वीडियो डाली, उसके बाद मैंने मेकअप वीडियोज़ देखे लाइक श्रुति, अर्जुन, अंकिता एंड साइमा की, तो मुझे ऐसे लगा कि यार मैं भी ऐसे करूँ कि मैं ये वाला प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, मैं ये वाला फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, मैं ये वाला आई शेडो लगा रही हूँ, मैं ये वाली लिपस्टिक लगा रही हूँ, दिखा दिखा के, तो मेरे को वो करने का बहुत मन था। मैंने पूछा अपने घर पर, उन्होंने मेरे को बोला कि आप कर लो अगर हो सकता है, तो यस मैंने करा, फर्स्ट वीडियो बनाई, ठीक ठीक बनी, बट तो फिर स्टार्ट कर दिया। तो ये थी पूरी मेरी यूट्यूब बनाने चैनल बनाने का ख्याल और जर्नी। इसको मैं और एक्सप्लेन कर दूंगी अगर आप लोग चाहेंगे तो, हाउ यू एडिट योर यूट्यूब वीडियो बाय माही। तो मैंने बता दिया इसकी आंसर पहले भी हो चुका है कि मैं अपनी यूट्यूब वीडियो किस तरह से एडिट करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जॉब करते हो क्या बाय मेकअप लवर? तो मैं जॉब पहले करती थी, अभी मैंने जॉब छोड़ दी है। 28 क्वेश्चन है, आर यू डूइंग यूट्यूब एज फुल टाइम और पार्ट टाइम एंड योर फ्यूचर प्लान्स रेगुलरली बाय मिस ब्यूटी? तो अभी जो यूट्यूब है, यूट्यूब को मैं चाहती हूँ कि मैं लाइफ लॉन्ग, मतलब जब तक भी मैं रहूँ तब तक मैं YouTube वीडियो बनाऊं, क्योंकि मुझे YouTube वीडियो बनाना पर्सनली बहुत पसंद है, मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है, मतलब जब मैं मेकअप वीडियोस बनाती हूँ तब मेकअप करना मुझे बहुत पसंद है, मुझे अच्छा लगना बहुत पसंद है, बट स्टिल मैं अपने रेगुलर रूटीन में कुछ जीरो मेकअप में रहती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब को कंटिन्यू करूँ आगे भी, और मैं करूँगी भी, और बाकी जो है मैं जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड देखते हैं कि क्या होता है आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक यू थिंक टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल इन फैशन बाय विनीत? तो जिस तरह से क्वेश्चन का आंसर मैं पहले भी दे चुकी हूँ कि मुझे पसंद था पहले से ही, और मुझे अच्छा लगना पसंद है, मुझे अच्छे कपड़े पहनना पसंद है, और मुझे स्टाइलिश रहना पसंद है, और मुझे मेकअप करना भी पसंद था, कुछ कुछ मेकअप मैं करती थी लाइक बहुत मिनिमम, बट अब मुझे ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैंने ये जो यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट करा। सो गाइज नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हाउस गोइंग योर क्वारंटाइन टाइम बाय रॉक पुलकित? तो यस पुलकित, मेरा जो क्वारंटाइन या लॉकडाउन टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जा रहा है, क्योंकि इसी बहाने मैं यूट्यूब पे वीडियो रेगुलरली पोस्ट कर रही हूँ, रेगुलरली बना रही हूँ, मुझे अच्छे अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं जो मैं नहीं कर रही थी काफ़ी टाइम से, या सोच रही थी नहीं हो पा रहा था, तो वो अब फाइनली हो गया है। बट अब मैं चाहती हूँ कि ये जो टाइम पीरियड अब ख़त्म हो जाए एंड जो लाइफ है वो वापसली नॉर्मली स्टार्ट हो जाए, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट तरीके से स्टार्ट हो। सो गाइज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट्स योर नेक्स्ट वीडियो बाय नेहा व्लॉग्स? तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं अभी आपको कैसे बताऊँ, क्योंकि ये जो वीडियो मैं शूट कर रही हूँ आई डोंट थिंक कि मैं कब अपलोड करूँगी एंड इसके बाद मैं कौन सी वीडियो बनाऊँगी, बट जो भी वीडियो होगी वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता मैं कौन सी वीडियो कब अपलोड कर लेती, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो बना के स्केड्यूल लगा दिया है उनका एंड मुझे नहीं पता वो वीडियो खुद ही अपलोड हो जाती है, मुझे ध्यान भी नहीं है क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो की तैयारी में लग जाती हूँ अपनी। तो सॉरी नेहा, बट यस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए एंड जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो बहुत पसंद आएगी आपको। एंड या जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक अजीब सा क्वेश्चन है, एक उन्होंने मेरे को इमोजी भेजी है बाय मोजेस, उनका यही नाम है, एक इमोजी भेजी है ये वाली, तो मुझे इसका पता नहीं कि मैं इसका क्या आंसर करूँ। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो योर एजुकेशन योर ड्रीम बाय कोनिका? तो मेरी जो एजुकेशन है वो मैंने बता दिया है, पहले ही आंसर कर दिया है, और जो मेरे ड्रीम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, अगर मैं बताऊँगी तो शायद बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो यूट्यूब है उस पर जल्दी से इसी 2020 के अंदर अंदर, यानी 31 दिसंबर 2020 के अंदर अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हूँ उसके लिए एंड अलग अलग वीडियोस बनाती हूँ, अच्छा अच्छा कंटेंट डालती हूँ ताकि आप लोगों को वीडियो पसंद आए, तब जल्दी जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो ताकि हम लोग 1 मिलियन की फैमिली हो जाएँ। और भी मेरे बहुत सारे ड्रीम हैं, मुझे इसी साल मतलब मेरे को पेरिस जाने का बहुत मन है, बट स्टिल अभी तो मुझे लगता नहीं कि अभी हम जा पाएंगे भी, क्योंकि ये कोरोना वायरस की वजह से, बट अभी नहीं तो कभी तो नेक्स्ट ईयर। तो ये जो दो ड्रीम है मेरे बहुत ज़्यादा मेन है, मुझे ये दोनों करने ही हैं, मतलब ये वाला 1 मिलियन वाले के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ कि 31 दिसंबर
2020 के, तो 31 दिसंबर 2020 के अंदर मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएं। सो देखते हैं और भी, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड बाय पूजा विवान। सो अभी तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, होगा तो डेफिनेटली बताएंगे ही आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बाय रिचिका, एंड उनका जो क्वेश्चन है वो नाइस, तो नाइस मेरा चैनल ही होगा या फिर मैं होंगी, तो उसके लिए थैंक यू। एंड और जो क्वेश्चंस थे तो वो रिपीट ही हो रहे थे, तो उनका मैंने शॉर्ट में बता दिया। एंड आई होप, सो गाइज इतने थे मेरे पास क्वेश्चंस, एंड मैंने सोचा नहीं था कि इतने सारे क्वेश्चंस मुझे मिल जाएंगे, बट मिल गए हैं एंड सारे अच्छे हैं, एंड मैंने सबका आंसर भी करा है। एंड आई होप आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर भी मिल गया होगा। एंड जो एज वाला जो क्वेश्चन है, आप कहोगे कि नहीं बता रही है, तो प्लीज़ आप लोग गैस करो नीचे कॉमेंट में, एंड फिर मैं देखती हूँ कि किसने एकदम एग्जैक्टली गैस करा है। तो गाइज आई होप आपको सारे जो क्वेश्चंस के आंसर हैं पसंद आ रहे होंगे, पसंद आए, और अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो न्यू हो तो, और अगर पुराने हो और नहीं करा है तो क्यों नहीं करा, अभी चैनल सब्सक्राइब करो, एक बेल बन कर आएगी उसको भी प्रेस करो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइज एक छोटी सी बात, अगर आपको ये टॉप पसंद आ रहा है, पर्सनली मुझे अच्छा लग रहा था ये टॉप, इसका कलर बहुत अच्छा है, तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करा था एंड लिया। ये क्रॉप टॉप है तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट, आप इसको प्लाजो पे पहन सकते हो, पैंट से पहन सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप ये वाला जो टॉप है लो, तो इसका जो लिंक है मैं नीचे डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बहुत अच्छा फैब्रिक है और इस तरह से इसके स्लीव्स हैं, शॉर्ट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है गर्मियों के लिए भी, और आप हल्की फुल्की गर्मियों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो अब जो हम बात आते हैं अपनी मेन बात पे, जो मैंने बोला था कि गिव अवे के लिए, तो सो गाइस अब बात कर लेते हैं गिव अवे की। तो ये जो गिव अवे मैंने रखा है, और मैं बहुत टाइम पहले से ये गिव अवे रखना चाहती थी, क्योंकि मुझे अपने सब्सक्राइबर को गिफ्ट्स करने हैं, सरप्राइज करना है उनको। सो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पहला जो गिव अवे है, फर्स्ट गिव अवे है, और इसको हम किस तरह से करेंगे, देखिए मुझे और लोगों का नहीं पता कि और लोग किस तरह से करते हैं, मैं अपनी तरह से कर रही हूँ, और आई होप कि आपको पसंद भी है, तो आई होप आपको ये पसंद भी आएगा। सो ये जो गिव अवे होगा, जब मेरे 3K सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तब मैं गिव अवे करूँगी, और अभी है मेरे 2.1, तो आई थिंक जल्दी ही हो जाएंगे अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो। तो इसके लिए आपको फॉलो करने हैं कुछ छोटे से पॉइंट, मैं रूल्स नहीं कहूँगी क्योंकि हम लोग फैमिलीज हैं, तो फैमिली में इतने कोई रूल्स नहीं होते। सबसे पहले आपको इस वाली वीडियो को लाइक करना है, कॉमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल प्रेस करनी है, अगर जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है वो बहुत अच्छी बात है, नहीं चैनल सब्सक्राइब करा सब्सक्राइब करना है, स्क्रीन शॉट लेना है, अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर वो पोस्ट करना है, मुझे टैग करना है, मेरे साथ साथ 3 लोगों को और टैग करना है, यानी कि टोटल 4 लोगों को आपको टैग करना है वहाँ पे। और जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि इसके बाद जो वीडियो मैं अपलोड करूँगी आपको उस पर जाके कमेंट करना है, कोई भी आप कमेंट कर सकते हो, साथ में आपको अपने वहाँ पे नेम लिखना है और नीचे और ब्रैकेट में लिखना है गिव अवे, इस तरह से करना है साथ में। सो ये 2 पॉइंट ही है मेरे गिव अवे के लिए, जो कि ये जो विनर है वो 3 लोग होंगे, लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये तभी मैं डिक्लेयर करूँगी जब मेरे 3K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। जो इसका रिजल्ट है वो मैं अपने इंस्टाग्राम पर ही अपलोड करूँगी, और मैं अपने यूट्यूब पर भी अपलोड करूँगी, इसका जो विनर्स है उनका नेम अपने इंस्टाग्राम पर भी दूंगी और अपने यूट्यूब चैनल पर भी दूंगी। एंड अब आप लोग सोच रहे हो कि गिव अवे में मिलने के वाला है, तो मैंने जो बहुत ज़्यादा अच्छे से कॉम्बो बना के रखा है कि कोई भी अगर गर्ल हो या फिर कोई भी चाहता हो तो उसको पूरा कॉम्बो मिले, जिसमें आपको एक टी शर्ट मिलेगी, आप मैं कंफर्म कर लूँगी कि किस साइज़ की टी शर्ट चाहिए आपको, एक टी शर्ट होगी, 3 मेकअप प्रोडक्ट्स होंगे, और एक जो होगा वो आपको एक स्किन केयर से रिलेटेड होगा, सभी ब्रांडेड होंगे, कुछ ऐसा लोकल नहीं मिलेगा आपको कि हाँ भाई हम पे सूट नहीं करेगा। सो ये 5 आइटम होंगे, लाइक आउटफिट, मेकअप और स्किन केयर। सो जल्दी जल्दी गाइस जल्दी करो और लेट मत करना, और जल्दी से आप 1, 2, 3 की लिस्ट में आ जाओ, ताकि ये जो पूरा जो गिफ्ट हैम्पर है आपको मिल जाए, सरप्राइज हो जाए। ये छोटा सा ही है मेरी तरफ से, क्योंकि अभी मेरे पास है ना कोई इनकम ना कोई टैक्स। तो गाइज आई नो कि ये जो बहुत ज़्यादा छोटा होगा, लेकिन मैंने अपनी तरफ से 100% ट्राई करा है कि आपको परफेक्ट चीज़ें मिलें, साथ में इसको जल्दी जल्दी करो ताकि हमारी जो 3K की फैमिली है वो जल्दी कम्प्लीट हो जाए। इसके बाद में जो गिव अवे रखूँ वो मैं आप लोगों से पूछ के रखूँगी, मैं आपको ऑप्शन दूंगी और जो आप सेलेक्ट करोगे मैं वही आपको गिव अवे करूँगी। सो आई होप आपको ये जो Q&A वीडियो है ये भी पसंद आई होगी, आपके जो क्वेश्चन है वो कम्प्लीट हो गए होंगे, साथ में आपको ये जो गिव अवे की जो रूल्स और जो पॉइंट्स आप जो भी कह लो ये पसंद आए होंगे। तो जल्दी जल्दी करो, इंस्टाग्राम पर मेरे को टैग करो इसका स्क्रीनशॉट लेके, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से नए टॉपिक के साथ। गाइस जल्दी जल्दी करो, लेट मत करना गर्ल्स, बहुत ज़्यादा अच्छे से गिफ्ट मिलने वाले हैं आपको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।
कीप स्माइलिंग एंड जल्दी इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करो।